हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दिया गया है। कंस्ट्रक्शन की स्टेटमेंट दी गई है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, गिव द जस्टिफिकेशन, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें करना क्या है, कॉन्स्ट्रक्ट अ टेंजेंट और टू अ सर्कल, यानी कि हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उस पर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से उस पर किसी पॉइंट से, है ना, 4 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है, उसके बाद वहां पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं ना, कोई भी दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक कब होंगे, जब उनका सेंटर क्या हो, सेम हो, है ना। तो वहां पे जो आउटर सर्कल होगा, यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे, तो जो आउटर वाला सर्कल होगा उस पे किसी पॉइंट से इस 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, और क्या देना हमें, एंड मेजरमेंट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ मेजरमेंट करनी है, टेंजेंट की जो लेंथ आएगी उससे मेजर करना है, गिव द जस्टिफिकेशन देना है, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। और मेजरमेंट जो आएगा, टेंजेंट की लेंथ जो आएगी, उसको हमें एक्चुअल कैलकुलेशन से भी करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपस ले लीजिए। यहां पे कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके स्केल ले लीजिए, कंपस ले लीजिए, 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बनाइए। चलिए बना ले रहे हैं, देखिए हम बना ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल। फोर सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या करना है आपको, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, अभी बना रहे हैं। चलिए बन गया। ठीक, फोर सेंटीमीटर, देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर ले लिया हमने, इसका सेंटर ले लिया हमने, चलिए ओ ले लिया, सेंटर क्या ले लिया, ओ ले लिया। ठीक, अब यहां पे देखिए आगे और एक चीज कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी हमें जो बनाने 4 सेंटीमीटर का बनाया, अब इसी सेंटर से हमें एक सर्कल और बनाना है, इसी सेंटर से एक सर्कल और बनाना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इस बार रेडियस कितना लेंगे आप, 6 सेंटीमीटर लेंगे, रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए। चलिए आप स्केल उठाइए, रेडियस इस बार 6 सेंटीमीटर लीजिए, कितना, 6 सेंटीमीटर। लेने के बाद इसी सेंटर से मिडल पॉइंट कहां रहेगा, इसी सेंटर ओ पे, इसी सेंटर से आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं, ये चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, इसको कंप्लीट कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाइए। चलिए 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बन गया। ठीक है, यहां पे हम लिख बना भी दे रहे हैं कौन सा कितने सेंटीमीटर का है, चलिए ये यहां पे देखिए सबको दिख रहा होगा, ये सेंटर ओ है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, छोटा वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितनी, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने ये वाला सर्कल बनाया। ठीक, उसके बाद और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिख भी सकते हैं, यहां पे सेंटर वो है, यहां से ये 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर, उसके बाद यहां से ये पूरा जो है ये कितना है, यहां तक ये 6 सेंटीमीटर। ठीक,
अब उसके बाद क्या करना है, देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है यहाँ पे, जो यहाँ पे आउटर सर्कल है आपका, आउटर यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये इनर सर्कल छोटा वाला, आउटर सर्कल बड़ा वाला, इनर सर्कल यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, आउटर सर्कल यानी कि 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम देखिए ये जो आउटर सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, इसमें पॉइंट ले रहे हैं क्या, पी, क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं हम, पी हमने ले लिया, देखिए एक पॉइंट पी हमने ले लिया, ठीक है, बोलिए एक पॉइंट पी ले लिया गया। अब यहाँ पे देखिए जो ओपी है, जो ओपी है लाइन सेगमेंट ओपी, यानी कि जो आउटर सर्कल की जो रेडियस ओपी है, क्या करना पड़ेगा उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलिए कंपास बनाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेते हैं इसका, इसका हम लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास उठाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लीजिए, ये कंपास उठाइए, और यहाँ पे ओपी देख रहे हैं, ओपी 6 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा रेडियस लेना है आपको, आधे से ज्यादा, ये देखिए हमने आधे से ज्यादा ले लिया, देख रहे हैं ना, ये आधे से ज्यादा है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, चलिए ये हो गया आधे से ज्यादा, ठीक, यहाँ देखिए ये ओपी जो है, ओपी ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस, यहाँ पे पी को सेंटर मानेंगे, यानी ये मिडल पॉइंट का रखेंगे पी पे, और रेडियस कितना लेंगे, आधे से ज्यादा, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, आपको पता ही कैसे खींचा जाता है, तो आधे से ज्यादा लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे, ठीक है, यही खींच दे रहे, देखिए आधे ज्यादा हमने ले लिया, देखिए आधे ज्यादा है, आधे से ज्यादा, अब एक आर्क यहाँ लगा दे रहे हैं, देखिए ये लगाया, और एक आर्क यहाँ यहीं से नीचे लगाएंगे, एक आर्क यहीं से क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ये लगाया, ठीक। उसके बाद ओ से, देखिए यहाँ पे सेंटर ओ से इस ऊपर वाले आर्क को कट कर देंगे, और नीचे वाले आर्क को भी कट कर देंगे सेंटर ओ से, चलिए हमने ये कट किया, ऐसे यहां से भी हम सेंटर ओ से क्या, इस वाले को भी कट करेंगे, चलिए ये कट किया, ठीक। देख लीजिए अब जहां पे दोनों आर्क कट कर रहे हैं दूसरे को, देखें एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है, चलिए इसे खींच दे रहे हैं, इसी स्केल से हम खींच दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये खींच दी हमने, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, और ये आपको मिल गया, देखिए ये मिल गया आपको मिड पॉइंट, ओपी का मिड पॉइंट, इसको हम एम से डिनोट कर दे रहे हैं, ओपी का मिड पॉइंट क्या मिला, एम हमने लिया एम, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए फिर से कंपास उठाइए, इस बार एम को सेंटर लेना, यानी मिडल पॉइंट कहाँ रहेगा, एम पे रहेगा, और रेडियस क्या लेंगे हम, एमओ या एमपी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ये रेडियस लेके एक सर्कल और बनाएंगे, ये रेडियस लिया, देखिए ऐसे ले ले रहे हैं, ये देख रहे हैं, ओएम या एमपी कुछ भी ले सकते हैं, दोनों बराबर ही है, ओएम एमपी क्या है, ये दोनों बराबर लेंथ है, ठीक है, चलिए यहां हम ले ले रहे हैं ये लेंथ, देखिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, चलिए बना लेते हैं, देखिए एक सर्कल हम यहां से बनाएंगे, ठीक है, जो कि पी से होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, पी से, यहां से तो एमपी भी ले सकते हैं, कोई भी दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है बस, ठीक है, चलिए बनाते हैं एक सर्कल और, इसको फिक्स कर लें, एक सर्कल और, चलिए एक सर्कल और बना लेते हैं इसको, ठीक है, ये ठीक, ये सेंटर ओ है यहाँ पे, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, चलिए ये है आपका सेंटर ओ, ठीक है, ये क्या है सेंटर ओ, ये लिखा हुआ सेंटर ओ, ठीक है। करना क्या आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, ओपी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे ओपी को इंटरसेक्ट करेगा उसको हम पॉइंट एम ले लेंगे, एम क्या हो गया, ओपी का मिड पॉइंट, यानी ओएम और पीएम ये दोनों क्या होंगे, पार्ट इक्वल होंगे, ये पूरा सिक्स था तो ये थ्री, ओ एम थ्री एम पी थ्री, ठीक है। उसके बाद ओ एम रेडियस लेके एम को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाएंगे जो कि पी और ओ पॉइंट से होकर जाएगा, जैसे कि यहां जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखिए जो अभी आपने सर्कल बनाया ओ एम रेडियस लेके, उस सर्कल ने क्या किया, उस सर्कल ने जो इनर सर्कल था यानी छोटा वाला 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल था, उसको देखिए कहां कट किया, जो अभी आपने सर्कल बनाया ओ एम रेडियस लेके, उसने देखिए इनर सर्कल को कहां कट किया, इनर सर्कल है 4 सेंटीमीटर, यहां कट किया एक तो देख रहे हैं, और दूसरा वाला इस वाले सर्कल ने इस छोटे वाले सर्कल को कहां कट किया, यहां कट किया, देख रहे हैं ना, ये
उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट यहां से यहां देखिए इसको ले ले रहे हैं, इसको ले ले रहे हैं पॉइंट ए और इस वाले को ले ले रहे हैं हम पॉइंट बी। ठीक है, यहां देखिए जब OM रेडियस लेके एक सर्कल हमने ड्रॉ किया तो कहां पे देखिए यहां पे ये वाला सर्कल जो है OM रेडियस वाला जो सर्कल है वो 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल यानी इनर सर्कल को कहां पे पॉइंट ए पे और यहां पे पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं ये देखिए यहां पे दोनों सर्कल, ये अभी जो सर्कल बनाया ये वाला 4 सेंटीमीटर वाला जो पहले से बना था इनर सर्कल जो बना था वो दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पे, एक कहां पे पॉइंट बी पे और यहां पे देखिए पॉइंट ए पे। देख रहे हैं नहीं, अब पी ए और पी बी हम ज्वाइन कर देंगे, टेंजेंट आ जाएगी। चलिए कर देते हैं, कंपास रख दे रहे हैं, उसके बाद स्केल उठाइए, ज्वाइन कर देंगे पी ए और पी बी, ज्वाइन पी ए, ये देखिए पी ए को ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन पी ए, ये आगे तक बढ़ा सकते हैं लेकिन लेंथ ली जाएगी पी ए, टेंजेंट यही इतना ही लिया जाएगा, बढ़ाना हो आप आगे बढ़ा सकते हैं पी ए, उसके बाद पी बी, पी ए उसके बाद पी बी। देख रहे हैं, तो पी ए यानी कि पी से लेके ए तक ये टेंजेंट हो गई, दूसरी पी बी ये टेंजेंट हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए हम इसका कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन सारी चीजें लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, अब यहां पे देखिए यहां खींच लिया गया ना ये, अब यहां पे हम लिख देंगे क्या लिखे, पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये आपका जो कंस्ट्रक्शन था ये पूरा हो गया। ठीक है, यहां पे क्या करना है, चलिए हम एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना था, आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेने थे, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो आप एक ही सेंटर से सेम सेंटर से ही दोनों सर्कल बनाएंगे। एक बार एक सर्कल आपने बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके, उसी सेंटर से आपने 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक और सर्कल बनाया। ठीक है, यहां पे इनर सर्कल या आउटर सर्कल है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं, टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर, है ना, एक ही सेंटर से अगर सर्कल बने हैं दो सर्कल, जैसे यहां पे बना है 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का, रेडियस तो इनका अलग अलग है लेकिन इनका सेंटर क्या है, सेम है, यानी कॉन्सेंट्रिक। ऐसे करना है आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना, फिर उसी सेंटर से 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, उस आउटर वाले सर्कल पे, उस आउटर वाले सर्कल पे क्या करना है, एक पॉइंट पी लेना है, उसके बाद क्या करना है ओपी को ज्वाइन कर देना है, ओपी को क्या करना है ज्वाइन कर देना, ओपी को ज्वाइन करने के बाद आपको ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि ओपी को पॉइंट एम पे कट करना है, पॉइंट एम पे। उसके बाद ओएम, ओएम या एमपी रेडियस लेके क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे जो ओएम, ओएम रेडियस लेके, ओएम रेडियस लेके जो एक सर्कल बनाएंगे वो क्या करेंगे, इनर वाले सर्कल को यानी 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगा, और जैसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा पीए और पीबी को ज्वाइन कर देंगे, तो पी से लेके ए तक की लेंथ ये और पी से लेके बी तक की लेंथ ये क्या है, टेंजेंट है, पेयर ऑफ टेंजेंट, यही चाहिए था। ठीक है, चलिए अब हम लिख देते हैं क्या, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए सबसे पहले क्या किया गया था, कॉन्सेप्टिक सर्कल लिए थे तो हम लिख ले, देखिए सबसे पहले ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल, ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक, सबसे पहले क्या किया था, दो कंसेंट्रिक सर्कल, एक 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का बनाया था, तो वही लिख दिया हमने। सेकेंड क्या किया था, ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन किया था ना, लिख देना। इसके बाद ज्वाइन ओपी, हमने क्या किया था, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल बनाने के बाद ओपी, ओपी को हमने ज्वाइन किया था ना। अब ओपी को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, लिख देंगे थर्ड, लिख दे रहे हैं ज्वाइन, तो लिख देंगे ज्वाइन, ओपी तो हो गया है ना, कौन लिख चुके हैं ज्वाइन ओपी, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर, हाँ तो लिख देंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, देखिए हमने क्या किया, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो लिख दिया हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट लिख सकते हैं या कट्स लिख सकते हैं। विच कट्स भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं। विच कट्स ओपी एट पॉइंट एम, है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था वो ओपी को एट पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच कट्स ओपी एट एम, विच कट्स ओपी एट एम, और एम क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओपी, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओपी, और एम जो है वो क्या है, ओपी का मिड पॉइंट, एम जो है वो क्या है, ओपी का मिड पॉइंट है। इसके बाद फिर हमने क्या किया था, फोर्थ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर लिया था, टेकिंग एम एज सेंटर, टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम एंड ओ एम एज रेडियस, ऐसे लिख देंगे, देखिए टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ अदर सर्कल, ड्रॉ अनदर लिख देंगे, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट, ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट इनर सर्कल, विच इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी, है ना, देखिए है ना, यहां पे देखिए जब दूसरा सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये ओ एम रेडियस लेके, एम को सेंटर लेके, ओ एम रेडियस लेके एक सर्कल जब ड्रॉ किया तो इनर सर्कल को यानी 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करता, तो वही हमने लिख दिया, टेकिंग एम एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल विच इंटरसेक्ट इनर सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, एट पॉइंट ए एंड बी। उसके बाद क्या किया हमने, फिफ्थ वाले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद क्या किया था, पॉइंट यहां पे जो ए मिला था बी मिला था, ज्वाइन पी ए एंड पी बी, ज्वाइन पी ए एंड पी बी, ज्वाइन पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी ए एंड पी बी। उसके बाद यहां पर देखिए सिक्स वाला यहां लिख दे रहे हैं, सिक्स स्टेप यहां लिख दे रहे हैं, पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, यहां लिख दे, देखिए पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड, जो पी ए और पी बी क्या है, यही टेंजेंट जो हमें चाहिए था, तो हमने लिख दिया पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। एक और बढ़ा के लिखना चाहें आप मेजर करके तो लिख सकते हैं, बाय मेजरमेंट यहां लिख दे रहे, देखिए बाय मेजरमेंट यूजिंग स्केल, बाय मेजरमेंट यूजिंग स्केल पी ए इज इक्वल, यहां पे जब मेजर करेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो कितना आएगा, आप स्केल से जब मेजर करेंगे पी ए ये लेंथ और पी बी ये लेंथ, स्केल से जब मेजर करेंगे इसी पे रख के, तो आपका आएगा कितना, 4.47 सेंटीमीटर, 4.47 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया, बाय मेजरमेंट यूजिंग स्केल पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 4.47 सेंटीमीटर आएगा आपका, इतना आप मेजर करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बाद हमें क्या चाहिए, हमें जस्टिफिकेशन दिख रहा, तो चलो जस्टिफिकेशन लिख देते, ये समझ में आया, दिख रहा है, देखिए हाँ, अब ये हो गया, अब जस्टिफिकेशन चलिए दे देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए जस्टिफिकेशन दे दे रहे, जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, यहां पे ज्वाइन करना पड़ेगा हमें सेंटर, यहां पे देखिए सेंटर वो दिख रहा है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, चलिए इसको कर दे रहे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, देखिए ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए ज्वाइन कर दिया, ओ बी भी ज्वाइन कर दे रहे, चलिए ओबी भी हो गया, ज्वाइन ओ ए एंड ओबी, ओ ए और ओबी क्या है, रेडियस है, चलिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक।
अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन में सबसे पहले ये लिखेंगे क्या किया हमने, ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB। अब OA और OB को जो हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये वाला एंगल, ये एंगल, एंगल OAP, एंगल OAP, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAP क्या है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि अगर हम यहां देखिए ये सर्कल जो हमने तीसरा वाला सर्कल जो बनाया था OM रेडियस लेके, उस सर्कल में देखिए आप ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, सेमी सर्कल में है। ये एंगल किसमें है, सेमी सर्कल में है कि नहीं। जब एंगल सेमी सर्कल में तो आपको क्लास 9 में थ्योरम पढ़ाई गई थी है ना, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो इसलिए OAP क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन दे देंगे आप, रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, रीजन क्या देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो अगर ये 90 हो गया यानी ये वाला एंगल, एंगल OAP 90 हो गया यानी कि OA जो है वो परपेंडिकुलर है किसपे, AP पे, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, OA इज परपेंडिकुलर टू AP, OA जो OA रेडियस है और टेंजेंट AP पे, OA रेडियस क्या है, टेंजेंट AP पे परपेंडिकुलर है, ये लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस OA इज रेडियस, सिंस OA इज रेडियस ऑफ सर्कल, सिंस OA इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड AP, एंड AP हैज टू बी अ टेंजेंट, ऐसे लिख देंगे, एंड AP हैज टू बी अ टेंजेंट। ठीक है, जो रेडियस और जो ये टेंजेंट है, जो रेडियस और टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये 90 होता है वैसे भी, लेकिन आप जो नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ाई गई है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, उससे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये 90 हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया OA AP पे, यानी रेडियस जो है टेंजेंट AP पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि OA क्या हो गया, रेडियस हो गया और AP क्या है, टेंजेंट है। तो वही लिख दिया गया, OA इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड AP हैज टू बी टेंजेंट, AP हैज टू बी अ टेंजेंट, ठीक है, टू द सर्कल, टू द सर्कल, ये हो गया। ठीक, उसके बाद ऐसे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली PB को लिख देंगे, सिमिलरली PB इज ऑल्सो अ टेंजेंट, सिमिलरली PB इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ठीक है, सिमिलरली PB इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। बस ये जस्टिफिकेशन दे दिया आपने कि जो PA PB है वो क्या है, टेंजेंट है, ये हो गया। इतना सा बस छोटा सा जस्टिफिकेशन है, ये इतना है जस्टिफिकेशन हो गया। इसके बाद हमें और एक चीज कह रहे हैं क्या, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। जो मेजरमेंट आया है हमारा, यानी कि जो हमने निकाला था PA PB, यानी जो टेंजेंट आई थी स्केल से जो मीजर किया था 4.47 सेंटीमीटर आई थी ना, तो वही कह रहा है उसका एक्चुअल कैलकुलेशन दीजिए। स्केल से मीजर तो कर लिया ठीक है, लेकिन अब एक्चुअल निकालिए आप। चलिए एक्चुअल निकाल देते हैं, ये जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, जस्टिफिकेशन मिटा दे रहे हैं, इतना करना आपको जस्टिफिकेशन में। एक्चुअल कैलकुलेशन कह रहा है निकाल दे रहे हैं एक्चुअल कैलकुलेशन, लिख देंगे आप एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन में सबसे पहले आप देखिए, ये आप 90 आप दिखाई चुके हैं जस्टिफिकेशन में है ना, यानी कि आप ले लेंगे इसमें ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP, और ट्राइंगल OAP कैसा ट्राइंगल है, किस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल OAP, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OAP राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये वाला एंगल ट्राइंगल OAP में ये एंगल, यानी कि एंगल OAP ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली जो साइड होती है OP वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, OP, तो OP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा, AP, तो बेस AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है OA, तो परपेंडिकुलर OA का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OP कितना है, OP, OP यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल था, आउटर सर्कल था, उसकी ये रेडियस है, कितनी है, देखिए हमने लिखा 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। एपी कितना है, एपी, ये देखिए एपी तो हमें निकालना है, एपी तो हमें क्या करना है, निकालना है। ओए कितना, देखिए ओए,
ओए देख रहे हैं, ओए क्या है, जो छोटा वाला सर्कल बनाया था उसका रेडियस, ओए कितना, जो छोटा सर्कल बनाया था उसका रेडियस, छोटा सर्कल का रेडियस यानी इनर सर्कल का रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर था, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 का स्क्वायर 36, ये एपी स्क्वायर और ये 16, यानी अगर यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा एपी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 होगा ना, तो एपी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 20, 36 माइनस 16 यानी कितना 20, तो एपी इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, एपी इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट ऑफ 20, 20 का स्क्वायर रूट निकाले देखिए कितना आता है, यहाँ निकाल ले रहे, सबको आता है डिविजन में सबसे निकालना, चलिए यहाँ 0 0 ले ले रहे, ठीक है, यहाँ ले जाएंगे 4 4 4 16 आएगा ना, यहाँ तो प्लस कर लेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ कितना है 4 डेसिमल, उसके बाद अगला पेयर आ गया यहाँ पे 0 0 देख रहे हैं, अब यहाँ से फिर 4 आ जाएगा, 4 3 36 आएगा ना, चलिए यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, और भी मान लो एक अगर पेयर होता आफ्टर डेसिमल पॉइंट 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी फिर 0 0 आ जाता है, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ 8 है, अब यहाँ पे हम कितनी बार लेके जाएंगे, देखिए 7 का लेके जाएंगे, कितनी बार 7 का, ये आ जाएगा आपका 6229, यहाँ माइनस करेंगे कुछ भी आएगा, आपको 2 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक लेना है आपको, कितना है 4.47, यानी एक्चुअल कैलकुलेशन भी आपकी आ गई 4.47 सेंटीमीटर, तो आपने एक्चुअल कैलकुलेशन में दिखा दिया, स्केल से आप मेजर करेंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना, तो ये आपका जो दूसरा कंस्ट्रक्शन था सर्कल से रिलेटेड ये भी कंप्लीट हो गया। 9.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी सर्कल से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन है हम ऐसे करा देंगे, है ना, ये दूसरा कंस्ट्रक्शन था, एक इससे पहले वाली वीडियो में कराया, एक आज कराया, इसके बाद फिर कराएंगे, है ना, ये मान के चलिए इसमें जो सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है 4 या 5 होंगे, 4 या 5 इसके अलावा 2 के बाद 4 या 5 होंगे, तो उनको करा देंगे, उसके बाद जब सारे सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन हम करा देंगे तब आप 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा और आप अपने अपने आप से खुद से कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिए इसको।